यंग जनरेशन सुनती है लॉलीपॉप पवन सिंह का गाना, क्या आपने सुना है ये गाना? आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूँ और आज हमारे साथ दो खूबसूरत सी आंटी हैं, पार्क में मिल गई हैं। कैसी आंटी? बहुत अच्छी हैं। आप कैसी हैं? क्या बात भैया, देखने में तो ये मॉडर्न जमाने की लग रही है, लेकिन इनसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। क्या आप गाने सुनती हैं? बिल्कुल सुनती हूँ मैं। मॉडर्न का जहाँ तक सवाल है, ये पार्क है, मैं टहलने के लिए आई हूँ, तो नेचुरली टाइप का सुनना चाहिए। आप सुनते हैं? हाँ। आप लोग बिहार से बिलोंग करती हैं? जी। आप लोगों का ससुराल भी है, पटना भी है, सारा सारा कुछ पटना ही है। हाँ। क्या बात है। तो भैया पटना से बिलोंग करती हैं। पटना हमारे बिहार की एक बहुत ही प्रसिद्ध इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री। तो उनमें से किसके गाने सुनती हैं भोजपुरी? भोजपुरी तो मैं उतना नहीं सुनती हूँ, शारदा सिन्हा के कुछ जो भक्ति में गीत हैं वो अच्छा लगता है। अच्छा, और किन कलाकारों की भोजपुरी में? बहुत सारे कलाकार हैं, मेल में बात करेंगे जी। मनोज तिवारी को, मनोज तिवारी ऐसे भी जो भी मिल गया, ऐसे स्पेशली किसी के फैन नहीं है, लेकिन जो भी मिलता है तो अच्छा अच्छा छठ का गाना भोजपुरी काफ़ी अच्छा लगता है। शारदा सिन्हा का हो चाहे मनोज तिवारी जी का हो। नए जनरेशन के सिंगर, जैसे कि एक गाना आपने सुना होगा, आजकल अक्सर जो है यंग जनरेशन सुनती है लॉलीपॉप पवन सिंह का गाना, क्या आपने सुना है ये गाना? हाँ, सुना तो जरूर है। क्या थोड़ी सी उसमें अभद्रता तो दिखती ही, बहुत थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादातर गानों में वो सुने गाने वो उसमें अभद्रता दिखती है, बहुत कम ही है जो कि साफ सुथरे शब्दों का प्रयोग किया गया, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे होते कि परिवार के साथ आप बैठ कर सुन भी नहीं सकते। लेकिन मैम पार्टी में अक्सर मैंने देखा है कि यहाँ जब भी बिहार में पार्टी में शादियाँ होती हैं तो वहाँ भोजपुरी गाने लगा के लोग ठुमके लगाते हैं, इसलिए कि उनका मकसद ठुमका लगाना। अच्छा। और उसके बीट पे वो अच्छे से ठुमका लगा लेते हैं। अच्छा, बीट्स पे। क्या आपने कभी डांस किया है? हो सकता है इसमें भोजपुरी गाने को तो कभी नहीं की हूँ, लेकिन ऐसे स्कूल वगैरह में हम लोगों का प्रोग्राम होगा, अब तो काफ़ी पुराना हो गया। बचपन में हम लोग दोनों एक ही स्कूल के पढ़े हैं बचपन में। अच्छा। तो स्कूल में ग्रुप सॉन्ग स्टेज पर डांस वगैरह उस समय जो मछली गाना चाहे ये भोजपुरी भी काफ़ी हम लोग मतलब करते थे, ग्रुपिंग डांस वगैरह करते थे। उसमें एक हमको याद आ रहा है एक लाइन, खेतबा में आज बहल धूल रे, सरसों के पियर पियर फूल रे, इस टाइप का हम लोग गाए, गोड़िया झुकी झुकी, इस टाइप का बहुत सारा गाना। आपने तो बताया कि पुराने गाने के बारे में, नए गाने के बारे में क्या सुधार होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि अब बिहार सरकार भी कह रही है कि भैया जो इस तरह के अभद्र गाने और जातिवाद गाने गाएंगे और वो जेल जाएंगे, उन्होंने एक स्टाम्प पेपर भी लागू किया है। प्रश्न हमारा यही है कि क्या ये गाना, इस तरह के गाने अब बंद होने चाहिए कि नहीं? सुधार होना चाहिए, बंद नहीं करेंगे। हाँ, मतलब कुछ तरह के जो गाने वो नहीं, वल्गर नहीं होना चाहिए, उससे तो बड़ा ख़राब लगता है ना, अभद्र लगता है। भजन भी हो रहा है लेकिन डांस वांस का जो पोज है वो भक्ति में नहीं लगता, थोड़ा वो मतलब अभद्र टाइप का ही लगता है भोजपुरी में, यही हमको थोड़ा सा उसमें जो अप्रसन्नता होती है देख कर वो भाव नहीं। जैसे अनुराधा पौडवाल जी लोगों का हिंदी, उन लोगों का भाव काफ़ी अच्छा होता है, भोजपुरी में थोड़ा सा अश्लील टाइप का हो रहा है भजन, लेकिन उस टाइप का जो उसका एक्टिविटी थोड़ा सा उसमें डाल नहीं है। भैया आज हमारे साथ दो आंटी थी पार्क में, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा भोजपुरी के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा और कहा कि सुधार भी होनी चाहिए इन चीज़ों पे। सो आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट ज़रूर करिएगा, और इस एज में भी ये लोग गाने सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं, इसके लिए इनके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिएगा भोजपुरी नेशन में। मैं आप सबका भाई गौरी शंकर बहुत